साथियों, समाज से बहिष्कृत करना, किसी व्यक्ति का समाज में हुक्का पानी बंद कर देना, समाज के विभिन्न प्रोग्रामों के अंदर उस व्यक्ति को आमंत्रित नहीं करना, कुल मिलाकर किसी व्यक्ति या किसी परिवार विशेष के साथ उसके जीवन के मूल अधिकारों के साथ कुठाराघात करना होता है। अंतरजातीय विवाह के कारण या समाज की किसी बात को नहीं मानने के कारण या समाज के किसी पंच के खिलाफ कोई टिप्पणी कर देने के मामले में या किसी प्रॉपर्टी विवाद के मामले में या फिर समाज के पंचों के निर्णय को या ये कहूं कि तुगलकी आदेशों को नहीं मानने के कारण कई खाप पंचायत द्वारा, कई समाज के ठेकेदारों द्वारा समाज कि मीटिंग के नाम पर एकत्र होके 5 या 10 लोग मिलकर किसी परिवार विशेष को समाज से बहिष्कृत कर देते हैं और तुगलक की फरमान जारी कर देते हैं कि जो भी व्यक्ति इनके घर परिवार जाएगा उसे भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा या उसे इतना जुर्माना भरना पड़ेगा या कोई व्यक्ति अपने घर पर कोई प्रोग्राम है और यदि इन परिवार के किसी भी लोगों को बुलाएगा तो फिर उसके प्रोग्राम पर समाज के अन्य लोग नहीं जाएंगे। साथियों, हो सकता है कि किसी मामले में समाज के लोग सही भी हो, समाज में समरसता बनी रहे, कुरीतियां जन्म न ले, समाज उत्थान करे, उसके लिए समाज काम करता है। लेकिन कभी कभी समाज के ये तुगलकी फरमान लोगों को घुट घुट कर जीने को मजबूर कर देते हैं, लोगों का आत्मसम्मान नीचे गिरता है और वह न तो समाज में जा सकते हैं, न किसी अपनों से बात कर सकते हैं, न अपने रिश्तेदारों के घर जा सकते हैं और एक घुटन भरा जीवन निकालते हैं। आपने कई जगह अखबारों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया खबरों में जाना होगा कि समाज के पीड़ित लोग जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस उनकी FIR दर्ज नहीं करती है। पुलिस के उच्चाधिकारियों के पास जाते हैं, शिकायत तो ले ली जाती है, संज्ञान नहीं लिया जाता। कोर्ट के माध्यम से किसी तरह FIR हो भी जाती है तो उस मामले में FR दे दी जाती है। कारण ये कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए साक्ष्य चाहिए, पुलिस को गवाह बयान नोट करने होते हैं, ऐसे सबूत इकट्ठे करने होते हैं। और यही कारण है कि जब समाज के ठेकेदार किसी व्यक्ति विशेष को जब समाज से बहिष्कृत करते हैं तो कोई हर कोई व्यक्ति कोई तुगलकी फरमान लेटर पेड पे लिखकर जारी नहीं करते, क्योंकि कई समाज से बहिष्कृत हुए लोग जब हमें फोन करते हैं कि सर हमें समाज से बहिष्कृत कर दिया, हम उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, तो हमारे द्वारा पूछा जाता है कि आपके पास क्या सबूत है, आपके पास क्या साक्ष्य है, क्या आपको किसी ने लिख कर दिया है कि आप समाज से बाहर हो, क्या समाज के ग्रुप में कोई ऐसा लेटर जारी हुआ है, तो वो कहते नहीं हुआ है। तो साथियों, ऐसी स्थिति के अंदर जब ये एक बंद कमरे के अंदर कुछ 2, 5, 10 तुगलकी पंच बैठकर किसी को समाज से बहिष्कृत करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यदि आपके पास साक्ष्य नहीं है तो आपको साक्ष्य तैयार करने पड़ेंगे, आपको सबूत तैयार करने पड़ेंगे। वो सबूत कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, व्हाट्सएप चैट हो सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज हो सकते हैं और यदि कोई लेटर जारी हुआ है तो उस लेटर की कॉपी हो सकती है। जिन लोगों ने आपको नहीं बुलाया उनके घर की पत्रिकाएं हो सकती है, उनके घर के प्रोग्राम के फोटोग्राफ्स हो सकते हैं। साथियों, यदि आपके पास कोई मजबूत साक्ष्य नहीं है तो आप बिना मजबूत आधार के कि कोई भी रिपोर्ट देने की गलती मत करो। कारण ये है कि अभी आपको समाज से बाहर किया है, आप समाज से लड़ने जा रहे हो, आप एक समूह से लड़ने जा रहे हो
जहां केवल आप और आपका परिवार है और सामने पूरा समाज 100, 200, 500, 1000 घर, तो वहां पर लड़ने के लिए आपके पास साक्ष्य होने चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा कि पुलिस जवानों को समाज से बहिष्कृत कर दिया था, उस मैटर में हमारे द्वारा FIR दर्ज करवाई थी, चार्जशीट भी फाइल हुई। इससे पहले भी आपने डूंगरपुर का एक मुद्दा देखा होगा जहां हम बखूबी अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठाते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत किया जाता है तो उसके मूल अधिकारों के साथ उसके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, उसके बारे में अभद्र टिप्पणियां होती है, अगर जुर्माना लिया जाता है तो एक्सटॉर्शन है। तो ऐसे मामले में अवैध वसूली का समाज से बाहर करना, यानी कि फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। उनको धमकियां देना एक्सटॉर्शन के मैटर में सभी तरीके से FIR दर्ज कराई जा सकती है, और FIR दर्ज कराने के साथ ही आप जिला कलेक्टर को इस मामले में संज्ञान लेने के लिए रिपोर्ट दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है ना, तो ऐसी स्थिति में आप संबंधित हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के लिए आपको कुछ साक्ष्य जुटाने पड़ेंगे। हमारे समाज बहिष्कृत से जुड़े 2-4 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट है। कई साथियों के फोन आते हैं और वो कहते हैं सर हमें आपसे बात करनी है, हमें आपसे जानकारी लेनी है, लेकिन इन मैटर पर एक लंबी चर्चा किए बिना कैसे कोई परामर्श दिया जा सकता है। यदि आप समाज बहिष्कृत मामले से पीड़ित हैं और यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो बेटर ये रहेगा कि आप टेबल मीटिंग करें, आप किसी भी एडवोकेट से टेबल मीटिंग करें, आप घंटे 2 घंटे 4 घंटे की वार्ता करें। यदि आप किसी से फोन कंसल्टेशन भी करना चाहे तो वह भी समाज बहिष्कृत के मामले में कम से कम घंटे 2 घंटे का होता है। और ऐसे स्थिति में जब आपको समाज से बहिष्कृत किया है, आपके पास कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग, कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप कॉल, कोई लेटर, मैसेजेस, जो कुछ भी आपके पास है, वह तमाम चीजें सबूत के रूप में गिनी जाएगी। तो साथियों, यह अधिकार की बात है कि समाज में रहना, समरसता के साथ रहना, अपनी एक डिग्निटी, अपने एक अधिकार के साथ रहना, यह आपका एक मूल अधिकार है जिसे कोई समाज के तुगलक की पंचायत करके आपको बहिष्कृत नहीं कर सकते। कई राज्यों के अंदर समाज से बहिष्कृत किए जाने पर कठोर कानून बने हुए हैं और उन कठोर कानूनों में कड़ी कार्रवाई भी होती है। तो कई स्टेट में उनके लिए कई लॉ नहीं बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय दंड संहिता है, जो भारतीय न्याय संहिता बन चुकी है, उन कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई होगी। लेकिन उस कार्रवाई के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी आवाज को बुलंद करना भी सीखना पड़ेगा। और ऐसी चीजों के लिए आपको किसी परफेक्ट एडवोकेट के माध्यम से समाज को कार्रवाई करने से पहले एक लीगल नोटिस देना चाहिए, और लीगल नोटिस देकर आपको समस्त तथ्यों का ब्यौरा देना चाहिए और मध्यस्थता वार्ता के लिए उनको आमंत्रित करना चाहिए। साथियों, समाज बहिष्कृत कोई छोटा मुद्दा नहीं है कि एक वीडियो में समा जाए। तो मैं यही कहूंगा कि समाज से बहिष्कृत किया है तो अपने कानूनी अधिकारों को जाने, एडवोकेट से टेबल मीटिंग करें, कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन उसके लिए साक्ष्य जुटाए। गुट गुट करना जिए, जिसने आपको गुट गुट के जीने पे मजबूर कर रहे हैं उनको सबक सिखाए। साथियों, इसी प्रकार की लीगल कानूनी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर होते हैं। आप पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे तो किसी सवाल के जवाब के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप हमें कॉल बुक कराए, आप हमारे वीडियो पर विजिट करें, हमारे चैनल पर विजिट करके समस्त जानकारियां ले सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई बड़ा सवाल है जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल बुक करवा के हमसे बात कर सकते हैं। साथियों, हमारे इसी चैनल पर कई हमारे शॉर्ट वीडियो है, करीब 1500 के आसपास, जिसमें हमने छोटी छोटी कानूनी जानकारियां दी है, आप उनको भी देख सकते हैं और अपना कानूनी ज्ञान अपडेट कर सकते हैं। बने रहे इसी तरह हमारे चैनल पे एंड शेयर जरूर करें ये महत्वपूर्ण जानकारी। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।